ठंडी के मौसम में लड्डू का अलग ही मजा है। तो मैंने ना घर पे बनाए थे तिल के लड्डू, जो कि मेरा फेवरेट है। तो सबसे पहले ना लड्डू बनाने के लिए मैंने एक दुकान से ले लिया है 200 ग्राम तिल। उसके बाद मैंने 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया, यानी भून लिया। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए ना, या थोड़ा रेडिश हो जाए, मैंने एक अलग बर्तन पे इसको रख दिया है। उसके बाद मैंने तवा लिया और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाली और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया। आप यहाँ पे कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो मेरे पास जो गुड़ अवेलेबल था, मैंने गुड़ डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से पिघला दिया। थोड़ा टाइम लगा, बट 3-4 मिनट में लो फ्लेम पे ना बहुत अच्छे से गुड़ पक भी जाएगा और गुड़ एकदम डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो फ्राई किया हुआ तिल मैंने रख दिया था, वो तिल मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको मिलाना है। बाय द वे, आप कौन से शहर या गांव से मेरा वीडियो देख रही हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स बोलने के लिए। पिछले वीडियो पे आरवी यादव उड़ीसा से मुझे कमेंट किया था, तो थैंक यू सो मच। तो एनीवे, तो हमारा जो तिल और गुड़ है ना, बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लिए। उसके बाद गैस को हम कर देंगे ऑफ और थोड़ा सा 2-3 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे, ज्यादा नहीं ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। थोड़ा सा जैसे ठंडा होना, हाथों में थोड़ा सा पानी या तेल लीजिए और इसे गोल शेप दे दीजिए और आपका तिल का लड्डू रेडी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी एंड बच्चों का तो फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।